वो अरहान रश्मि देसाई के पीछे है, मधुरिमा विशाल के पीछे, उनका खुद का कुछ स्टैंड ही नहीं है। मुझे लगता है कि अभी ये हाई टाइम है कि रश्मि को अपने कनेक्शंस बनाने चाहिए। हम रश्मि देसाई को जानना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में क्या है, तो आप अपना वो रियल साइड दिखाइए। रश्मि और अरहान एंड ये विशाल और मधुरिमा, ये दोनों कपल आपस में ही एक दूसरे के साथ ही हैं और वो कुछ निकल के आ नहीं रहा है। मतलब मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत मज़ा आ रहा हो, बट मुझे ये दोनों कपल की जो भी स्टोरी दिखा रहे हैं ये लोग, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ना प्यार दिख रहा है, ना दोस्ती दिख रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब मुझे नहीं मज़ा आ रहा है इन दोनों की जो जर्नी है, जबकि ये लोग रश्मि देसाई मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर सकती है। वो बहुत ये है, इंटरटेनिंग लड़की है, और वो मतलब उसे करना चाहिए, दूसरे कनेक्शंस भी बनाने चाहिए। पहले देवोलीना के साथ एटलीस्ट उसका कनेक्शन था, बट अभी जब से देवोलीना गई है तो वो दिखती ही नहीं है यार, किसी और से बात ही नहीं करती है, बस अरहान के साथ ही रहती है। तो अरहान के साथ भी कुछ मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अभी ये हाई टाइम है कि रश्मि को अपने कनेक्शंस बनाने चाहिए और उनको अपना दूसरा साइड भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आप कब तक ये सोचोगे कि आप कैमरे के बीच में हो। देखो, बिग बॉस के घर में अगर आप गए हो अपना रियल साइड दिखाने गए हो, क्योंकि रियलिटी शो है। अगर आपको नहीं दिखाना तो आप नॉर्मल शो करो जहाँ पे आपको एकदम अच्छा या बुरा जो भी है, मतलब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दिखना है। बट ये एक रियलिटी शो है जहाँ पे आपको कोई कैरेक्टर नहीं निभाना है, आपको रश्मि को सामने रखना है। ठीक है, मतलब आप अपनी स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, आप अपने लिए लाइटिंग भी देख रहे हो, कैमरा एंगल्स भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, क्योंकि आप अपने राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, सब कुछ आप खुद के खुद ही हो। बट अपना खुद के, मतलब आप रश्मि हो तो रश्मि की, मतलब जो हमें नहीं पता रश्मि देसाई, क्योंकि हमने उनको हमेशा टीवी पे देखा है, उतरन में देखा है, और अभी जो सिद्धार्थ और रश्मि का शो था वो हम लोगों ने देखा है, दिल से दिल तक में उन्हें देखा है। बट हम रश्मि देसाई को जानना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में क्या है, तो आप अपना वो रियल साइड दिखाइए। यार मुझे तो इतना बुरा लगा, देखो मैं ना सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब वो मेरा पहला प्यार, मेरा पहला क्रश वो रहे हैं, तो मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप रुक जाओ, मैं आ जाती हूँ, मैं कर देती हूँ घर के काम, आप मत करो। वो मैं देख ही नहीं पाई, वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था कि मतलब सलमान आके खुद घर की, मतलब सबसे गंदा पता है कब लगा, जब वो बाथरूम में घुसे और बाल वगैरह उन्होंने निकाल के डस्टबिन में डाले, वो तो ऐसा था कि शिट यार, मतलब इतनी गंदगी से कौन रहता है यार, तुम लोग साफ करो, उनको क्यों कर पा रहे हो। वो तो बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। सबसे पहले अरहान को निकालूंगी, मधुरिमा को निकालूंगी, क्योंकि दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अरहान रश्मि देसाई के पीछे है, मधुरिमा विशाल के पीछे, उनका खुद का कुछ स्टैंड ही नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती का उनका कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को निकालूंगी, और फिर और भी अगर निकालने तो फिर मैं साथ में विशाल और रश्मि को भी मैं